हेलो फ्रेंड्स, बीएसपी फूड सफारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ग्रेट फेयर में विजिट करने आए हैं और मैं और विनय हैं, दोनों एक साथ में। विनय ऑपरेट कर रहा है कैमरा और मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा। अभी हम लोग अपना चेक करा करके अंदर आए हैं। ये हैं ग्रेट फेयर के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं और सबसे पहले हम लोग, क्योंकि टाइम हो रहा है 11:30 से 12 के बीच का, तो हम सबसे पहले लंच ट्राई करने जा रहे हैं फूड कोर्ट में। हमारी सबसे पहली मंजिल फूड कोर्ट, आई होप यू हैव सीन दैट फूड कोर्ट। यस, अब की बार थोड़ा छोटा है इसका ट्रेड फेयर का जो एरिया है, लेकिन फिर भी बहुत लंबा है यार। हम लोग पहली बार आए और मेरा साइज आप देख ही रहे हो, काफ़ी मोटा हो गया हूँ मैं। शायद मैंने बहुत लंबे टाइम बाद इतना लंबा चढ़ा हूँ मैं। और ये देखिए, लोग ज़मीन पर बैठ करके अपना लंच कर रहे हैं। और हमें पता ही नहीं था, वाकई में हमें पता नहीं था घर से भी लेके जा सकते हैं। हम लोग तो खाली हाथ अपना कैमरा और ट्राइपॉड हाथ में बैग लेकर के चल दिए। अगर पता होता कि सब एंट्री है खाने पीने की चीज़ों की, तो अपन लोग अपना लंच तो लेके जाते जाते, और ये हमारे लिए भी पिकनिक जैसा हो जाता। लेकिन अभी हम लोग सबके देखें, चलिए फूड कोर्ट से निकल चुके हैं हम लोग स्टेट पवेलियन में। यहाँ सारे राज्यों में मंडप बने होते हैं और ये हम सबसे पहले जा रहे हैं आसाम मंडप के अंदर। ये आसाम राज्य का मंडप है और यहाँ पर चीज़ें बहुत कम बिकती हैं। यहाँ पर ये दिखाते हैं कि अब इनके राज्य में क्या प्रगति चल रही है, क्या एक्टिविटी चल रही है, ये वही शो करते हैं। ये अपने हैंडीक्राफ्ट दिखाते हैं, इसके अंदर अपनी कालीन वगैरह इसी टाइप की चीज़ें होती हैं। बस देखना ही देखना होता है इसके अंदर। बाकी खरीदारी करने वाले जो पंडाल हैं वो दूसरे होते हैं, वो हैं 11, 10, 9, 8, 7। ये सारे जो मंडप होते हैं ये वहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं जी भर के। और मैंने विज़िट किया था वहाँ पर, मैक्सिमम चीज़ें वही थी जो दिल्ली में सदर बाज़ार से ख़रीदा और प्रगति मैदान में बेचा, और वो राज्य के नाम से बिक रहा था। तो देखिए आसाम का ये टेबल बनाया हुआ है, प्योर बांस का टेबल है, इसके अंदर और भी कोई लकड़ी नहीं है, खाली बांस की बनी हुई टेबल चेयर का ये बहुत प्यारे निकलती है उनका। ये देखिए आसाम का बांस के बना हुआ हैंडीक्राफ्ट की सारी चीज़ें, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आसानी से नहीं मिलती है, और बहुत अच्छा लगा, ऑथेंटिक था ये। ये लीजिए, अब आ गया हमारा तेलंगाना राज्य, हमारे भारत का एक और राज्य, और इसमें भी सेम हैंडीक्राफ्ट के आइटम बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पर लेडीज़ का सामान ज़्यादा था। लेडीज़ के ऐसे और बॉयज़ की जो ज्वेलरी थी बहुत ज़्यादा लेडीज़ परचेज करी थी। इकलौता पंडाल था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सेल परचेज चल रहा था। हेयर ऑयल का बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको हम देखेंगे ज़्यादा और बोल पाएंगे कम। ये सब कुछ दिखाई दे रहा है वीडियो पर, काफ़ी शोर शराबा है ये, इसमें वीडियो में ज़्यादा सुनाई देगा। ये मोतियों की ज्वेलरी है, देखिए बहुत ज़्यादा लेडीज़ का सामान है, क्या बहुत है यार। और यहीं पर हमने स्पाइसी दिखते भी देखे थे, इतना बिजी था कि उसको रेट बताने तक का टाइम नहीं था। बहुत रीजनेबल देना चाहता हूँ, हैंडमेड
पर्सनल बोलेंगे तो छोटे छोटे पीसेस चाहिए, इसको जा नमाज भी बोलते हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको अपने ड्राइंग रूम में साइड में डाल रखते हैं, बहुत सुंदर बने होते हैं। लेकिन हाँ रेट थोड़े ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बोले थे नॉर्मल मार्केट से जो रेट ज़्यादा थे। लेकिन हाँ काम बहुत अच्छा, ये जूट के और ऊन के बने हुए साड़ी है, जूट का ऐलान है, जो प्योर जूट निकलेंगे कुछ कमर्शियल शॉपकीपर भी थे, वो फ्री मसाज लिखा हुआ था लेकिन ना। अब हम लोग जाएंगे लक्षद्वीप, बहुत ही सुंदर राज्य है, यहाँ पर जैसे कि हमने वहाँ पर बात की थी तो उन्होंने बताया था कि बहुत छोटा सा आयरलैंड है, वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं है, यहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि एक बच्ची फोटो कुछ बारी थी तो तुरंत ज़्यादा हमको बता दिया। और यहाँ पर ऐसे कोई भी ज़्यादा एक्टिविटीज नहीं है छोटे से राज्य में, बहुत शांत एक एरिया है, जैसे उसने बताया तो मैनेजर ने। जाने के लिए परमिट की जरूरत है, मिजोरम में आया मिजोरम राज्य, सारी इसमें जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मिलती हैं इंडिया मार्केट में, हमारे पास तिब्बत मार्केट अच्छा लगता है देखकर। हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम, वोकल हैं लोग ज़्यादा जैसे अपने अपने प्रोडक्ट को बारे में बताने के लिए हम अगली वीडियो में आपको और बाकी राज्य के बारे में बताएंगे। आशा आपको पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए।